क्या थग्स ऑफ हिंदुस्तान की कम होती बॉक्स ऑफिस कमाई को देखते हुए आमिर खान ने लिया एक बड़ा फैसला? क्या आमिर खान अब थग्स ऑफ हिंदुस्तान से नहीं लेंगे कोई प्रॉफिट? आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान ने जहां ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करते हुए हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस मिलाकर 52.5 करोड़ के करीब बिजनेस का तहलका मचा दिया, तो वहीं फिल्म को मिले नेगेटिव रिव्यूज ने धीरे धीरे वीक डेज पर असर दिखाना शुरू कर दिया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक आमिर खान की फिल्म ने हिंदी मार्केट में जहां रिलीज के दिन 50.75 करोड़ का बिजनेस किया, तो वहीं अगले दिन यानी फ्राइडे को 28.25 करोड़ पर लटक गई। इसके आगे फिल्म की कमाई और गिरती गई। सैटरडे को फिल्म ने 22.75 करोड़ का बिजनेस किया, तो वहीं संडे को 17.25 करोड़। मंडे आते तक तो फिल्म की हालत बुरी हो गई और सिर्फ 5.5 करोड़ का ही बिजनेस हुआ। तो ट्यूसडे को आमिर की फिल्म महज 4.35 करोड़ बिजनेस कर पाई। इस हिसाब से ट्यूसडे तक फिल्म की हिंदी बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई लगभग 128.85 करोड़ रुपीस की ही रही, जबकि इससे बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही थी। और अब सोर्सेस की माने तो आमिर ने फिल्म के फेलियर को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया है। अपेरेंटली आमिर लॉस को देखते हुए फिल्म के प्रॉफिट शेयर में पैसा नहीं लेने का मन बना रहे हैं। सोर्सेस का कहना है कि आमिर बहुत जल्द यशराज फिल्म्स के हेड आदित्य चोपड़ा से मिलकर फिल्म को मिले नेगेटिव रिव्यूज और प्रॉफिट शेयर नहीं लेने के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस बारे में हमने आमिर और फिल्म की टीम से उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। लगता है कि बैक टू बैक हिट्स देने वाले आमिर को बॉक्स ऑफिस पर थग्स ऑफ हिंदुस्तान के उम्मीद पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरने का लगा है झटका। संदेश अगाटे, जूम, मुंबई।